you will write down a picture. If you want, you can go back. Okay, sit down. Good. Yeah. Yes, sir. So, बच्चों mainly आप लोगों ने देखा होगा ये क्या है. Today we'll be doing an activity known as evacuation plan. Okay, emergency drill करेंगे. मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर आग लग गया या for example सुनामी पानी पूरा भर गया या earthquake खिलना शुरू कर गया तो क्या करना है वो उसके बारे में हमारा आज आपको बताया जाएगा. तो ये सब देख सकते हैं. ये अगर मान लो कि आग लग गया तो रेज बोल के याद होगा. रेज मतलब हम बोलते हैं 100 मीटर रेज. तो रेस्क्यू अलार्म कंटेन इवैक्यूएट. पहला क्या है, जो जो नहीं उठ सकते या कितने करते हैं उनको हेल्प करना. फिर इसके बाद अलार्म हेल्प हेल्प आग लग गया बुलाना. फिर कंटेन अगर रोज खुला हुआ है अगेन फायर और बढ़ते जाएगा तो बंद करना. एंड इवैक्यूएट जो बोले निकलना है फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प करना. ये और फायर एक्सटिंग्विशर का आप ज्यादा बोलेंगे. एयरक्यूब में हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएट क्या करना. एयरक्यूब आ गया बैग उठाना है, सर पे रखना है और निकलना है. क्योंकि एयरक्यूब कुछ भी सर पे गिर सकता है. अगर मान लो कि नहीं हो पाया वी कैन टेक ए बुक एंड वी कैन लुक लाइक दिस. अगर नहीं है ये भी नहीं हो रहा वी कैन यूज लाइक दिस. ओके एयरक्यूब के द्वारा इवैक्यूएशन पॉइंट. हर जब अब ऐसा कोई सिचुएशन में आएगा आज हम लोग 855 को इवैक्यूएशन पॉइंट कहां पे मान लें, असेंबली एरिया में आपको लाइन चाप लाइन में नीचे माइक अपॉइंट ही रहेंगे. आपको कैसे लेंगे बेल रहेगा रॉन्ग बेल रहेगा बड़ा सा बेल सुनाई देगा. आपको चुपचाप लाइन अप करना है और भागे दौड़े बिना आपको यहाँ से निकल जाना है. और ये सब वैसे ही है. आज आपको मैं वहां पर असेंबली एरिया में बता दूँ. जब भी आ रहे तो यहाँ पर विथ हैंडकरचीफ आपको. अभी तो मास्क है बहुत लोग, अगर मास्क नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग. से हैंडकरचीफ वो भी गीला वाला हैंडकरचीफ रखे. अगर स्मोक है तो बाहर निकल दो. ओके एंड ये देखो अगर मान लो सुनामी या पानी भर गया तो हम लोग हाथ पकड़ के हम लोग को जाना है. सेम वे एयरक्यूब में इसके नीचे बैठना है. ओके अभी मान लो कि यहाँ एयरक्यूब हो रहा है क्या करोगे. ठीक है एयरक्यूब आ रहा है, दो दो लोग को बैठना है. आगे आ जाओ एक एक लोग, दो दो लोग एक एक बेंच पे बैठ जाओ. दो 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 आगे चार लोग आ जाओ दो में आ जाओ. दो दो बैठ जाओ एक एक बेंच पे. ओके दो दो बैठ गए. आ गया. ओके अब मैं एक विसल दे रहा हूं एयरक्वेक होने वाला है तो उसके एक सीक्रेट मैं पहले बताता हूं. फॉर एग्जांपल गर्ल एग्जाम दिखा रहा हूं. गर्ल एयरक्वेक हो गया तो क्या करना है. गर्ल तुम तो रहो जरा जाओ. गर्ल यहां पर आएगा. एयरक्वेक हो गया गर्ल नहीं आ रही है ऐसा बैठा और इसको पकड़ना है. पकड़ के दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे बैठना है. ये होता है एयरक्वेक के द्वारा. तो दैट ऊपर से अगर कुछ ये बड़ा नहीं गिर गया गर्ल को कुछ ज्यादा होगा. ओके बन आ गया गर्ल बाहर आ जाओ. रेडी बैठ जाओ. अब एयरक्वेक आने वाला है. मैं क्लैप करूंगा एयरक्वेक होने वाला है तो क्या करना है मेरा पकड़ के यू हैव टू होल्ड. वेरी गुड. नो वेट वेरी गुड. व्हेनेवर वी डू सम एक्टिविटी विनायक यू कैन एक वन कैन फेस दिस साइड वन कैन फेस दैट साइड. एक उस साइड फेस करो एक इस साइड फेस करो. दौरान अगर कुछ भी ज्यादा मूवमेंट होते समय ये करते हैं. कोई डाउट है हफ्ते में चल रहे ना ये कभी भी कुछ हो सकता है भाई. अभी स्लोली उठो. ओके बाकी चीजें मैं आपको वहां पर बता दूंगा. ठीक है ओके.
करेंगे ये वाला करा। बाकी हम लोग मिलेंगे 8:50 तक लॉन मिल रहेगा। यहाँ जो टीचर है वॉलंटियर बाहर खड़ा रहेगा, तुम लोग काम दाएंगे नीचे लेकर मिलेंगे। थैंक यू। एक बार देख लो, आ जाओ एंट्रा मोड ये आ। ओके ओके गुड, थैंक यू। नाउ मान लो आग लग गया है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, दिस विल बी शोन लेटर। आप लोग जो कर रहे हैं मैं वहां पर इतने लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, वहां पर गर्म भी है तो मैं आपको स्टेज पे नहीं दिखा सकता, आप लोगों को दिखा के बाकी लोग एक्सप्लेन नहीं करो। तो मान लो आग लगे तो तुम ऐसा बाहर आ सकते हो अभी? यस सर, यस सर। करने के लिए तुम्हें तैयार रहना है, ठीक है? बुरा नहीं। एक्टिविटी नॉन एस इवैक्यूएशन प्लान। जस्ट इमेजिन दैट इफ वी हैव गॉट एन अर्थक्वेक, या हमें यहाँ पर सुनामी आ गया, पानी भर गया, या फॉर एग्जाम्पल हम लोग को, मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ, कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हो, कुछ भी हो गया, तो हम क्या करेंगे सिचुएशन में? या फायर हो गया, शॉर्ट सर्किट से फायर हो गया, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आज हम लोग एक मॉक ड्रिल करेंगे भाई, 8:50 तक एक बेल बजेगा, वॉलंटियर्स बाहर खड़े रहेंगे, आपको लाइन अप करके चुपचाप आपको नीचे जाना है, दौड़ना नहीं, आराम से जाना है, ठीक है? अब ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी मैंने बताया हुआ है, हम जब भी ऐसा सिचुएशन होता है मिटिगेशन मतलब उसका तैयारी टाइप प्रिपेयरनेस, उससे पहले फिर प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स रिकवरी। अब जब भैया देगा सुनामी आ गया क्या करेंगे, हाथ पकड़ के हमें जाना है। अभी हम लोग वहां पर ड्रिल कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एयरक्वेक जब भी आता है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एयरक्वेक आ गया तो उसके नीचे झुक के सो व्हाट इज डन कवर एंड होल्ड। ओके हाँ यस हाँ ओके ओके ओके। देन जब भी अगर मान लो स्मोक आ गया मतलब यहाँ पर फायर हो गया, तो आप अभी तो हमारे पास तो मास्क है, अदरवाइज इसको गीला करके ऐसा बाहर निकलना है। देखो कैसे क्रॉल करके बाहर निकलना है, ये चुपचाप आग लग गया इवैक्यूएशन असेंबली पॉइंट आज हम वहां पर करेंगे। एंड वो देखो सर पे बैग रखा हुआ है, व्हाट यू मीन बाय दैट मालूम है, जब भी एयरक्वेक होता है तो हम लोग को वी हैव टू कीप दिस बैग ओवर आवर हेड, वी हैव टू कवर द हेड, अगर ये नहीं है तो वी कैन यूज ऑन बुक, वी कैन कवर इट, अ गुड ऑप्शन ये है हां, क्योंकि क्या कभी भी बुद्धि गिर सकता है, देखो होता है, तो बैग इज लेकिन ये हमें ऑलवेज वी हैव टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट। ओके तैयारी हासिल करते रहना, तो आज 8:50 को हम लोग वहां पर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चों। फायर के दौरान आपको चल के जाना है, इसके बाद
फिर उसके बाद अगर बहुत आग भर गया तो अवॉइड करके बाहर निकलना है, फिर अगर आग लग गई तो हमको मास्क के अदरवाइज इसको घेरा करके बाहर निकलना है, फिर अगर मान लो एयरक्रेन हो जाता है, एयरक्रेन भी हो जाता है तो हमें इसका हमें डक कवर एंड होल्ड मतलब नीचे छुपना है, इसके नीचे करके ऐसा बैठना है, इसके नीचे डाले क्योंकि ऊपर से कुछ गिरेगा तो सर पे गिरना है, ठीक है। बाकी ये सब तो फायर में कैसे, ये अगर पानी भर गया, बारिश हो गया, पानी भर गया तो हम लोग का हाथ पकड़ के हम लोग को जाना है, नहीं तो कोई अगर बहुत गंदा है चला जाएगा तो दूसरा तो हाथ पकड़ सकता है। तो आज 8:50 तक आप लोग को एक लाइन बना के नीचे आना है, वॉलंटियर साथ है, 8:50 ऑन बेल, ओके दे विल कम नाउ समबडी कम, समबडी विल बी देयर आउटसाइड बेल, देयर इज इमरजेंसी बेल। ये सोचो बच्चों कि फायर हो गया, अब तो जाए सेंसर ने बोले से आराम से चले गया सही, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आर द थिंग्स विद द बैग, नो नो दे हैव वॉक इन देयर विदाउट बैग, विदाउट बैग यू डोंट टेक द बैग, ओके इट्स रिगार्डिंग आज हम एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान करने जा रहे हैं, मान लो आग लग गया यहाँ पर, या मान लो कि सुनामी आ गया, मान लो कि हत्योग आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उस टाइम में अरे आग लग गया, अरे अभी क्या करें, ऐसा नहीं, हमें आग अगर लग गया तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हत्योग पड़े तो क्या करना चाहिए, तो ये सब उसके प्रोसेस है। आज आपको 8:50 को एक बेल रहेगा, वहां पर आपको लेकर आपको वॉलंटियर्स बाहर खड़े रहेंगे एंड आपको लाइन में आपको नीचे लेकर जाएंगे अलोंग विद योर टीचर, वहां आके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना और चुपचाप बाहर जोर नहीं करना, आराम से आ जाओगे क्वेश्चन देखा अच्छा लगा, हम मिलेंगे 8:50 को मिलेंगे, 8:50 देर में लॉन्ग बेल बेल बजते रहेगा, दैट इज कुछ तो इमरजेंसी है समझ लेना। मैंने बोला 8:45 यू डिड लिसन तब ना, सो ब्रेक टू टेक, ओके बच्चों करना।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। या अभी कुछ नहीं, बैन भी चाह प्लीज। सीधा बाहर जाना। यस सर। साइलेंस, नो रनिंग। No running. Cover up. Cover up. Rui. रुद्र विंग खाली हुआ, विंग खाली हुआ कि अभी 8 मिनट हो गए आप लोगों को यहाँ पर असेंबल करने के लिए।
टाइम बहुत ज्यादा है वैकेशन टाइम में। अपॉइंटमेंट जो भी बात करें उनको यहाँ पर लेके आओ। कुविश्रा सावधान विश्राम और ये पिन ड्रॉप साइलेंस। सोच रहे विश्राम सावधान विश्राम।